यूपी में वापसी के बाद योगी सरकार एक्शन में नजर आ रही है। कल शपथ ग्रहण के बाद सरकार ताबड़तोड़ बैठक और फैसले ले रही है। संदेश साफ है कि निगाहें जो हैं वो 27 नहीं बल्कि 2024 पर हैं। मैं आदित्यनाथ योगी ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। शुक्रवार को मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने वाले योगी आदित्यनाथ ने दूसरी पारी की धमाकेदार शुरुआत कर दी है। नई सरकार के पहले ही दिन यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कल्याणकारी योजनाओं के ऐलान से नई सरकार का श्री गणेश कर दिया और सीएम योगी ने पहला ऐलान उसी राशन योजना को लेकर किया जिसे जोरदार जीत की नींव माना जा रहा है। उत्तर प्रदेश के 15 करोड़ जनता को अंत्योदय जो परिवार हैं उनको 35 करोड़ खाद्यान्न और पात्र गृहस्थी के जो परिवार हैं उन्हें पर यूनिट 5 किलो खाद्यान्न प्राप्त होता है। यह योजना चूंकि मार्च 2022 तक ही थी, आज मंत्रिमंडल ने निर्णय लिया है कि अगले 3 महीनों के लिए इस योजना को प्रदेश के सभी 15 करोड़ लोगों के लिए फिर से हम लोग लागू करेंगे। यूपी में अगले 3 महीने तक करीब 15 करोड़ जनता को मुफ्त राशन मिलता रहेगा। राशन के बाद बारी प्रशासन की रही। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अधिकारियों के साथ बैठक में अगले 100 दिनों में 6 महीने और साल भर का रोड मैप तैयार करने के लिए कहा ताकि बीजेपी के संकल्प पत्र को पूरा किया जा सके। जनता ने योगी सरकार को 5 साल के लिए प्रचंड बहुमत के साथ सत्ता में बिठाया है, लेकिन सीएम योगी का प्लान 5 साल नहीं बल्कि 2024 लोकसभा चुनाव है जिसकी तरफ इशारा उनके डिप्टी कर रहे हैं। हमारा जो रोड मैप है वो लोक कल्याण संकल्प पत्र और 2022 की विधानसभा में भाजपा की विजय के साथ हम 4 लगातार जीत 2014, 2017, 2019, 2022 और 5वां चुनाव लोकसभा का आने वाला है और मैं पूरे विश्वास से कह सकता हूं कि इस बार उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी का जो गठबंधन है वो 75+ के साथ। 5 सीटें किसके लिए छोड़ दें अभी देखें, 75+ कह रहा हूं मैं, 75 में 75 पे रोक नहीं रहा हूं, 75+ कहाँ तक गाड़ी है, हो सकता है आगे भी बढ़ जाए, लेकिन मैं ये कह सकता हूँ कि उत्तर प्रदेश की जनता का भरपूर आशीर्वाद हमें लगातार 4 चुनाव में मिला है। 24 में केंद्र में फिर करिश्मा करने के लिए यूपी सरकार के कंधे पर बड़ी जिम्मेदारी है और जनता ने जैसा भरोसा दिखाया है उससे साफ है कि सरकार किसी भी तरह की कोताही के मूड में नहीं है। यूपी में हार के बाद अखिलेश यादव ने लोकसभा की जगह प्रदेश में ही रहने का फैसला किया है। अखिलेश यादव को नेता विपक्ष भी चुन लिया गया, लेकिन इसके साथ एक नए कलेश की शुरुआत भी हो गई है। ये पूरा मामला क्या है आइए देखते हैं। एक तरफ जीत है, जिम्मेदारी है, सपने हैं, सरकार की रफ्तार है, तो दूसरी तरफ हार है। हार के बाद मैदान में डटे रहने की चुनौती है और कुनबे को विवाद से दूर रखने का चैलेंज भी। अखिलेश यादव का सत्ता का सपना भले पूरा नहीं हुआ, लेकिन जनता को संदेश देने के लिए अखिलेश ने दिल्ली के ऊपर लखनऊ को तरजीह दी। अखिलेश यादव ने सांसद पद से इस्तीफा दे दिया और विधायक ही बने रहेंगे। सरकार पर वार के लिए अखिलेश ने विपक्ष की कमान भी अपने हाथ में ले ली है। अखिलेश यादव को विधायक दल का नेता चुन लिया गया है, अब वो यूपी विधानसभा में नेता विपक्ष की भूमिका में नजर आएंगे। आज समाजवादी पार्टी के नवनिर्वाचित विधायकों की बैठक थी। विधायक दल के नेता माननीय अखिलेश यादव जी सर्वसम्मत से चुने गए हैं और विधानमंडल दल के भी नेता माननीय अखिलेश यादव जी सर्वसम्मत से चुने गए हैं। लेकिन सत्ता के इन बदलते समीकरणों के बीच कुछ अपने भी हैं जो अखिलेश से खफा नजर आ रहे हैं। शिवपाल यादव के मुताबिक उन्हें एसपी विधायक दल की बैठक के बारे में कोई जानकारी ही नहीं दी गई। समाजवादी पार्टी से मैं विधायक हूँ और समाजवादी विधानमंडल दल की बैठक भी चल रही है, लेकिन मुझे कोई सूचना नहीं दी गई जबकि सभी विधायकों को सूचना दी गई है। जब मुझे कोई सूचना नहीं दी गई तो मैं नहीं गया। मैं तो राष्ट्रीय नेता तो समझे,
जो मुझे मीटिंग में ही जब नहीं बुलाया गया तो मैं क्या चाहूँ। सर, इस बैठक को लेकर चर्चा थी शिवपाल यादव जी को भी बुलाया जाएगा, वो तो गुस्सा हो गए हैं, बोलने की बुलाया नहीं। आज समाजवादी पार्टी के विधायकों की बैठक थी, सहयोगी दलों की बैठक 28 तारीख को होगी। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष सभी सहयोगी दलों के राष्ट्रीय अध्यक्षों से, उनके माननीय विधायकों से वार्ता करेंगे, बैठक करेंगे। अखिलेश का छोटे दलों के साथ गठबंधन का फॉर्मूला फेल हो चुका है और अब चाचा की नाराजगी ने एक बार फिर सवाल खड़े कर दिए हैं कि मुलायम कुनबे में सब ठीक है नहीं। ऐसे में 5 साल तक सरकार के खिलाफ संघर्ष करने का फैसला लेने वाले अखिलेश को अभी घरेलू मामलों में भी संघर्ष करना पड़ सकता है। समाजवादी परिवार में उपजे इस नए कलेश के सेंटर में है शिवपाल यादव। एबीपी न्यूज से शिवपाल यादव ने कहा कि उन्होंने समाजवादी पार्टी के सक्रिय एक कार्यकर्ता के रूप में चुनाव लड़ा, उन्होंने विधायक भी बने, बावजूद इसके उन्हें आज की बैठक की कोई सूचना नहीं दी गई। उनसे बात की हमारे सहयोगी संजय त्रिपाठी। सोननगर से सपा विधायक शिवपाल सिंह यादव इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं। शिवपाल जी, सपा की बैठक चल रही, सारे विधायकों को बुलाया गया है, आप कार्यालय में बैठे हैं पीएसपीएल के? समाजवादी पार्टी से मैं विधायक हूँ और समाजवादी विधानमंडल दल की बैठक भी चल रही है, लेकिन मुझे कोई सूचना नहीं दी गई जबकि सभी विधायकों को सूचना दी गई है। और मैं समाजवादी पार्टी का सक्रिय सदस्य बन करके ही चुनाव लड़ा था, जब मुझे कोई सूचना नहीं दी गई तो मैं नहीं गया। नेता प्रतिपक्ष का चुनाव भी आज होना है, क्या लगता है अखिलेश यादव का नाम रहेगा नेता प्रतिपक्ष के तौर पर? इस पर मुझे कोई जानकारी नहीं है और इसमें तो राष्ट्रीय नेता तो समझे, जो मुझे मीटिंग में ही जब नहीं बुलाया गया तो मैं क्या चाहूँ। इधर बीच बड़ी चर्चा हुई थी कि आपको नेता प्रतिपक्ष बनाया जा रहा है सपा की ओर से। मुझे नहीं पता, इसे मुझे कोई जानकारी नहीं है। बल्कि चुनाव के पहले थी, खत्म हो गई थी, आप सपा से चुनाव भी लड़ लिए, जीत भी गए, अब क्या दिक्कत है, आपको बुलाया नहीं गया, ये बड़े सवाल खड़े कर रहा है। अब मुझे कुछ पता नहीं, समय आने पर सब कुछ बातें पता चल जाएंगी और फिर राष्ट्रीय नेता से पूछिए। समाजवादी पार्टी उम्मीद लगाए थी कि सरकार इस बार बनने जा रही है, लेकिन वो स्थिति नहीं आ पाई, क्या विश्लेषण किया, क्या कारण रहे कि आखिरकार ये नौबत क्यों हुई? राष्ट्रीय नेता तो समीक्षा करे। शिवपाल सिंह यादव क्या सोचते हैं? अब समय आएगा, आगे समय आएगा, बहुत समय है अभी। तो इस तरह से जो उपेक्षा हो रही है, तो उसके बाद अगला कदम शिवपाल सिंह यादव का क्या होगा? अभी हम इस पर कुछ नहीं चर्चा करना चाहते हैं, जब आगे समय, बहुत से समय आएंगे। अपने दफ्तर में बैठे हैं, कह रहे हैं कि आगे वक्त आएगा और उसके बाद निर्णय लिया जाएगा क्या कदम उठाए जाने हैं। देखिए, एक तरफ समाजवादी पार्टी में नए कलेश की चर्चा है, तो वहीं बीजेपी का एजेंडा 2024 है। सीएम योगी शपथ लेने के तुरंत बाद एक्शन में दिखे, तो वहीं डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य भी तैयार हैं प्रदेश में विकास की यात्रा को आगे बढ़ाने के लिए। यूपी में लगातार दूसरी बार डिप्टी सीएम बने केशव प्रसाद मौर्य पर बीजेपी ने दोबारा भरोसा जताया, हालांकि वो सिराथू से चुनाव हार गए थे। केशव मौर्य से डिप्टी सीएम बनने के बाद एबीपी न्यूज संवाददाता संजय त्रिपाठी ने बात की। यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं। केशव जी, बधाई हो आपको, आप पुनः डिप्टी सीएम चुने गए। सरकार की बैठक भी हो गई कैबिनेट की, क्या क्या निर्णय हुए हैं, किन किन चीज़ों पर सरकार आगे बढ़ रही है? जो प्रथम बैठक हुई उसमें सबसे पहला निर्णय जो हुआ है, आज 3,270 करोड़ रुपये की लागत से आने वाले 3 महीने तक जो प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना, उसे अगले 3 महीने जारी रखा जाएगा। दूसरा, हमारा जो रोड मैप है वो लोक कल्याण संकल्प पत्र, और 2022 की विधानसभा में भाजपा की विजय के साथ हम 4 लगातार जीत, 2014, 2017, 2019, 2022 और 5वां चुनाव लोकसभा का आने वाला है, और मैं पूरे विश्वास से कह सकता हूं कि इस बार उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी का जो गठबंधन है वो 75+ के साथ। 5 सीटें किसके लिए छोड़ रहे? अभी देखें, 75+ कह रहा हूँ मैं, 75 पर रोक नहीं रहा हूँ, 75+ कहाँ तक गाड़ी हो सकता है आगे भी बढ़ जाए, लेकिन मैं ये कह सकता हूं कि उत्तर प्रदेश की जनता का भरपूर आशीर्वाद हमें लगातार 4 चुनाव में मिला है, आगे भी मिलेगा, ऐसा भरोसा। एक सवाल है केशव जी कि आवारा पशुओं की समस्या बहुत रही उत्तर प्रदेश में, भाजपा पर विपक्ष ने इस मुद्दे को लेकर कई बार हमला भी बोला, इसे लेकर कोई नीति बननी है, इसको लेकर कोई लोक कल्याण संकल्प पत्र में ही स्पष्टता से कि समस्या का हम लोग समाधान
एक बहुत ही समयबद्ध योजना बना करके करेंगे। अखिलेश यादव नेता प्रतिपक्ष चुन लिए गए हैं, तो अब तो विधानसभा मुलाकात होती रही? नहीं, निश्चित तौर से हम तो उनसे हरदम मुलाकात करने के लिए तैयार हैं। वो तो मुलाकात करना छोड़ करके कहीं सैर करते रहते, कभी देश और कभी विदेश और कभी उत्तर प्रदेश, छोड़ करके चुनाव में आते हैं पिकनिक करने के लिए, उसके बाद पता ही नहीं चलता उनका। शिवपाल यादव को नहीं बुलाया गया आज सपा की? तो सपा की समस्या है, मेरी समस्या नहीं है, भाजपा की समस्या नहीं है, वो सपा की समस्या है। और वो सपा की समस्या जो है वो सपा वाले अपना देखें, हमारी चिंता इस बात की नहीं है। वैसे भी समाजवादी पार्टी में पूरी तरह से फूट पड़ी हुई। बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। केशव प्रसाद मौर्य थे जिन्होंने साफ तौर पर कहा कि लोक कल्याण संकल्प पत्र जो भाजपा की ओर से जारी किया गया है उसको लेकर के आगे का रोड मैप तैयार किया जा रहा है। कैमरामैन फैसल के साथ संजय त्रिपाठी, ABP न्यूज लखनऊ। अब बात पड़ोसी देश पाकिस्तान की, जहां राजनीतिक उथल पुथल चरम पर है। पाकिस्तान के PM यानी इमरान खान हर गुजरते दिन के साथ और ज्यादा गिरते जा रहे हैं। विरोधी कह रहे हैं कि इमरान खान चूहे हैं जो डर कर भाग रहे हैं। इमरान खान के इशारे पर कल गैर संवैधानिक तरीके से नेशनल असेंबली को स्थगित किया गया ताकि उन्हें सरकार बचाने के लिए थोड़ा और वक्त मिल जाए, लेकिन नाव डूबती दिख रही है क्योंकि खबर है कि इमरान की पार्टी PTI से जुड़े हुए 50 सदस्य लापता हैं, जिनमें मंत्री और खास सलाहकार तक शामिल हैं। ताकि गिरती सरकार को बचाने के लिए इमरान को और वक्त मिल जाए, लेकिन इमरान का घेराव सिर्फ विपक्षी नेता ही नहीं कर रहे, बल्कि अब बड़ी खबर आई है कि कई मंत्रियों और सलाहकारों समेत इमरान की पार्टी के ही 50 सदस्यों ने इमरान का साथ छोड़ दिया है। जी हाँ, इमरान खान के घर पे भी अब सेम लग चुकी है। पाकिस्तानी लोकल अखबार एक्सप्रेस ट्रिब्यून के मुताबिक इमरान खान के खास 50 पॉलिटिशियंस यानी कि सियासी कारकुन अपने सियासी मोर्चों से लापता हो चुके हैं। ये एडवाइजर्स और मिनिस्टर्स वो हैं जो इमरान खान की गवर्नमेंट की कैबिनेट और स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन का पार्ट हैं। विपक्ष के अविश्वास प्रस्ताव लाने के बाद से PTI के 50 संघीय और प्रांतीय सदस्य लापता हैं। इनमें से 25 सदस्य प्रांतीय सरकारों के सलाहकार और विशेष सहायक हैं। इनमें 4 राज्य मंत्री भी हैं। इस ताजा घटनाक्रम पर इमरान के कई मंत्रियों ने चुप्पी साध रखी है, जिससे अटकलों का बाजार गर्म है। माना जा रहा है कि ये लापता पाकिस्तानी मंत्री अपने पत्ते खोलने के लिए सही वक्त का इंतजार कर रहे हैं। पाकिस्तानी मीडिया में भी अब खुलकर ये कहा जाने लगा है कि जिन बुरे हालात में इमरान देश को ले आए हैं। ABP न्यूज़ आपको रखे आगे।